महानगर अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया पीएसपीएल टीवी के स्टूडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज ईद का दिन है और आज के इस शुभ अवसर पर मैं आपको अपनी तरफ से अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पाटिल यादव जी की ओर से, महानगर अध्यक्ष में बाबा फरीदागर की ओर से आप सबका ईद के शुभ अवसर पर आपको बधाई और आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं सभी मुसलमानों को इस बात की भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज ईद का दिन बड़ी सादगी से मनाया और अपने अपने यहाँ घरों में नमाज पढ़ी, सरकार का और शासन प्रशासन का पूरा सहयोग किया और पूरी तरीके से सादगी से नमाज और सादगी से ईद मनाई। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे बीच में हमारे बहुत से लोग जो हैं वो जो है लोग हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे बहुत से लोग बीमार हैं। हम सब का आज इस ईद के दिन हम सब ने उनके लिए दुआ की है और हम सब अपने सभी भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि ईद के दिन और उसके बाद भी दुआओं का सिलसिला ये जारी रहना चाहिए और ये जब तक रहे जब तक ये कोरोना वायरस जो है पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म करे। आप सब से ये निवेदन करता हूँ मैं कि आप लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ध्यान रखें, एक दूरी 2 गज की दूरी कायम करें, मास्क का इस्तेमाल करें और शासन प्रशासन के जो नियम हैं उनका पालन करते रहें। आप खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आज के इस शुभ अवसर पर फिर मैं एक बार आपको मुबारकबाद देता हूँ अपने पीएसपीएल टीवी स्टूडियो के अपने कैमरामैन के साथ। आप सब